के खेल मंत्री संदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जी, जिस प्रकार से गोल्ड मेडलिस्ट स्वर्ण लाने वाले भारत के लिए आज मुख्यमंत्री निवास पर आए, आप खेल मंत्री हैं, हरियाणा के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए, आपकी पर्सनल फीलिंग क्या है? देखिए, बहुत अच्छी फीलिंग है। ओलंपिक मेडलिस्ट, देश के जो स्वर्ण लड़का बोल सकते हैं, जिन्होंने देश को गर्व बढ़ाया, वो आज माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और खेल के ऊपर चर्चा हुई है काफ़ी, लगातार खेल को बढ़ाने के ऊपर चर्चा हुई है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी हैं वो ऊपर बढ़ रहे हैं। हरियाणा की खेल नीति को भी इसका श्रेय दिया जा सकता है, जिस प्रकार से डाइट मनी बढ़ी, जो बजट बढ़ा खेलों में? देखिए, डेफिनेटली जो नीति है वो हमेशा खिलाड़ियों को के लिए होती है, खिलाड़ियों को बढ़ाने के लिए होती है। आज जो नीति बनी है उससे कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ियों ने मेडल भी जीता है और आगे भी बढ़े हैं, तो इसको हम लगातार आगे बढ़ाएंगे, इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा से आपकी जो बातचीत हुई, उसको किस रूप में लेंगे आप, क्या कहा उन्होंने आपसे? बहुत पॉजिटिव है, और आगे उन्होंने खुद भी खेलना है और अपने जैसे खिलाड़ी आगे भी उन्होंने बनाने हैं, अपने जैसे खिलाड़ी मेडलिस्ट बनाने हैं, उसके बारे में चर्चा हुई। हरियाणा की खेल नर्सरियों की बात करें, उसमें कितना बढ़ावा किया जा रहा है? बहुत अच्छा बढ़ावा दिया जा रहा है, खेल नर्सरियाँ बढ़ रही हैं, ग्रास रूट के ऊपर हम और काम कर रहे हैं, जिससे कि सैकड़ों नीरज, बजरंग, रवि, सुमित, सुरेंद्र, ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने हरियाणा का मान बढ़ाया है, ऐसे और खिलाड़ी पैदा हों, जिससे कि हरियाणा आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा मेडल जीते। धन्यवाद संदीप सिंह जी। तो ये हैं संदीप सिंह, हरियाणा के खेल मंत्री। देखिए, बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि हरियाणा की खेल नीति को इसका श्रेय दिया जा सकता है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।